आदिदेव महादेव, मुझे आपके जैसा शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र दीजिए। तथास्तु। महाराज, वो युवराज देखने में असमर्थ है। यदि हमारा पुत्र अंधा है तो महादेव ने हमारे साथ छल किया है। महादेव, आपको इस छल का उत्तर मैं दूंगा। मैं महादेव, क्या कुछ समय के लिए आप इस सृष्टि की चिंता भूलकर मेरे साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं देवी। तो आज हम क्रीड़ा करेंगे। मैं छुपूंगी और आप मुझे पकड़ेंगे। खेलेंगे ना आप मेरे साथ महादेव? अवश्य। माता पार्वती, ये क्या करवाने जा रही है आप महादेव से? प्रभु, ये क्या प्रभु, यदि महादेव ने अपने नेत्र बंद कर दिए तो समस्त सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। प्रभु, माता पार्वती की ये क्रीड़ा समस्त सृष्टि के लिए पीड़ा बन जाएगी। प्रभु, नहीं नारद, जिस प्रकार रात्रि के पश्चात प्रातः होती उसी प्रकार अंधेरे के पश्चात प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी प्रकाश हमें सत्य का ज्ञान होता है। स्वामी, स्वामी आप कहाँ हैं? स्वामी, स्वामी चारों ओर अंधकार छा गया है, मैं स्वयं को भी नहीं देख पा रही हूँ। स्वामी। देवी, आप कहीं भी छुप जाइए, किंतु मैं आपको अवश्य ढूंढ लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना देवी, आप हमसे बच नहीं पाएंगी। वाह महादेव, बिना त्रिनेत्रों के भी आपने मुझे ढूंढ लिया। आप पार्वती हैं देवी, महादेव के लिए आप तक पहुंचना कभी भी कठिन नहीं हो सकता। किंतु आज आपने हमें बहुत दौड़ लगवाई है देवी। महादेव, ये हमारा पुत्र है देवी। हाँ देवी, ये हमारे स्वेद से उत्पन्न हुआ है। इस शिशु में मेरे समक्ष ही शक्ति और सामर्थ्य होगा, किंतु इसके जन्म के समय मेरे नेत्र बंद थे, अतः ये बालक भी दृष्टिहीन होगा। देवी, महाशिवरात्रि का आयोजन ऐसा होना चाहिए कि शिव शंकर प्रसन्न हो जाए। आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, वैसे ही उल्लास भी होना चाहिए शिवरात्रि के आयोजन में। हाँ हाँ यशोदा, तभी तो भ्राता नंद ने आज चार गांव के लोगों को निमंत्रित किया है।
सज्जा तो हो गई है, चलो अब भोजन का प्रबंध भी कर लेते हैं। याद है ना कान्हा, मैया ने हमें क्या कार्य सौंपे हैं? किसी कार्य में चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ दावा, फिर ऐसे भला चूक हो सकती है क्या? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि हमें प्रसाद की देखभाल करनी है। हाँ दाव, तो चलिए। ये क्या, ये भूमि पर लड्डू किसने फैलाए? लगता है बिल्ली ये सभी लड्डू फैला कर गई है। बिल्ली नहीं कान्हा। मधुमंगल तुम? इन लड्डू को देखकर मैं पानी आ गया था दाव, तो मैंने सोचा एक लड्डू चक कर देखता हूँ। मैंने एक लड्डू उठा तो सारे भूमि पर गिर गए। मैं सत्य कह रहा हूँ दाव, मैंने सिर्फ एक ही लड्डू खाया था। जानते हो ना, एक लड्डू खाने से पूरा प्रसाद झूठा हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो दाव, मैं अब कभी भी एक लड्डू तो क्या प्रसादी का दाना भी नहीं खाऊंगा पूजा से पूर्व। मुझे क्षमा कर दो दाऊ। जाने दीजिए ना दाऊ, अभी मैया के हाथों से तुम्हें वास्तविक प्रसाद दिलवाता हूँ। नहीं दाऊ, चलो दाऊ, मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ। रुकिए, आप मधुमंगल को छोड़ दीजिए। मुझे मत रोको कान्हा, आज तो मैं से पाठ पढ़ा कर ही रहूंगा। चलो दाऊ, मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ दाऊ दाऊ। मुझे रुक जाइए, अब मधुमंगल को अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया है, आप उसे छोड़ दीजिए। कान्हा तुम इसका पक्ष मत लो, महादेव को अर्पित होने वाले प्रसाद को भी नहीं छोड़ा इसने। इस भुक्कड़ के कारण हमें डांट पड़ेगी। प्रसाद की देखभाल का कार्य मैया ने हमें सौंपा था ना? दाऊ, मैया की डांट मैं सुन लूंगा। कान्हा तुम तो रहने ही दो, चलो। किंतु दाऊ, यदि आपके स्थान पर महादेव भी होते ना, तो वो भी मधुमंगल को क्षमा कर देते, क्योंकि महादेव पश्चाताप करने वालों को क्षमा अवश्य करते हैं। दाऊ कान्हा, इन सब बातों में मेरा समय व्यर्थ मत करो, पहले मधुमंगल का कृत्य मुझे सबको जाकर बताना है। दाऊ बस एक बार आप एक कथा सुन लीजिए, यदि फिर भी आपको लगे कि मधुमंगल ने अपराध किया है, तो आप अवश्य ही उसे मैया के पास ले जाइए। दाऊ आप मेरी बात मान जाइए ना। तो ठीक है, सुनाओ कथा। तो ये कथा है असुराज हिरण्याक्ष की, जिसने वर्षों तक करके महादेव से महादेव के समान एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूं, अपनी आंखें खोलो वत्स। हे आदिदेव महादेव, यदि आप सत्य में मेरी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो प्रभु मुझे आपके जैसा शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र दीजिए। हिरण्याक्ष, तुम्हें एक बहुत ही शक्तिमान। प्रभु मेरा पुत्र मेरे जैसा शक्तिशाली तो होगा ही, किंतु मैं चाहता हूं कि वो आपके जैसा सामर्थ्यवान हो। तथास्तु।
समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने तेजस्वी पुत्र का नाम क्या रखें। शिव के समान तेजस्वी पुत्र का नाम साधारण रखना उचित नहीं है। हमारा पुत्र त्रिलोक जयी होगा। शिव का ये वरदान शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण सृष्टि को देवों से मुक्त कर देगा। हमारा पुत्र तीनों लोकों पर शासन करेगा, तीनों लोकों पर। महाराज, 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 वो युवराज, 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 क्या हुआ हमारे युवराज को? महाराज, वो युवराज देखने में असमर्थ है। क्या? हमें इस विषय में अभी-अभी ज्ञात हुआ। क्या कहा तुमने? हमारा पुत्र अंधा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। वो महादेव का वरदान है, पर महादेव का वरदान अंधा कैसे हो सकता है? यदि हमारा पुत्र अंधा है तो महादेव ने हमारे साथ छल किया है। महादेव, आपको इस छल का उत्तर मैं दूंगा, मैं। अंधक रख दो उस बालक का नाम अंधक। मुझे भी खेले। आओ अंधक, तुम भी खेलो। अरे अंधक, तुम तो गिर पड़े। मुझे तुमने धक्का दिया है। हम तुम्हें क्यों गिराएंगे, तुम तो स्वयं गिरे हो। अद्भुत अद्भुत लक्ष्य साधा है अंधक, अद्भुत। पुत्र, आज तुम्हारा सामर्थ्य देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। हम तुम्हें अब तक सामर्थ्यहीन समझकर निराश थे, किंतु आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है तुम हमारी तपस्या के उचित वरदान हो। नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, तुम महादेव के समान सर्वशक्तिशाली हो। पुत्र पुत्र, तुम हमारे सुयोग्य उत्तराधिकारी हो। किंतु फिर भी तुम हमारी गद्दी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रजा एक नेत्रहीन को अपना शासक कभी स्वीकार नहीं करे। अच्छा होता यदि महादेव ने तुम्हें परिपूर्ण किया होता। महादेव, क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा किया आपने? क्यों क्यों महादेव? अंधक, कहां जा रहे हो पुत्र? अंधक, सेनापति, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन होगा हमारा उत्तराधिकारी?
इतने बड़े साम्राज्य का राजकाज अब हम नहीं संभाल सकते। प्रणिपात पिताश्री, क्षमा कीजिए इस कृत्य के लिए। मेरा पुत्र दत्त, मेरा पुत्र। अब मैं आपकी प्रत्येक चिंता का अंत करूंगा और इस बार हमारी ये प्रजा भी हमें इस राज सिंहासन पर स्वीकार करेगी। अंधक, तुम अपने पिता को छोड़कर कहां चले गए थे पुत्र? अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने चला गया था पिताश्री, किंतु अब आपका ये पुत्र मेरी नहीं। ये कैसी कथा है कान्हा? पहले पिता ने पुत्र के लिए तपस्या की, फिर बाद में पुत्र ने पिता के सुयोग उत्तराधिकारी बनने के लिए तपस्या की। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कान्हा, सिवा इसके कि तुम ये कथा सुनाकर मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। दाऊ, आप बस सुनिए तो वास्तविक कथा अब प्रारंभ होगी। तब अंधक के दुस्साहस से महादेव क्रोधित हुए। क्या उसने महादेव को भी क्रोधित कर दिया जिन्होंने उसे शक्ति दी थी? आओ, आप पहले बैठिए तो मैं आपको बताता हूँ। सब बताता हूँ। अंधक ने राजा बनते ही अपना विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। वो जैसे जैसे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था, उसका अहंकार उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो क्या कोई भी शत्रु नहीं बचा? ऐसा नहीं हो सकता। अंधक का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज, समस्त सृष्टि तो अब आपके अधीन है। सबने आपको अपना राजा मान लिया और मेरे विचार से अब आपको ये युद्ध का विचार भी त्याग देना चाहिए और अपने परिवार के विषय में सोचना चाहिए, जिसे समय आने पर आप अपने राज्य को उत्तराधिकारी दे सकते। नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। मैं युद्ध से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं युद्ध ही करूंगा। क्षमा करें महाराज, इस समय युद्ध की आवश्यकता नहीं। आपने अपने पिता महाराज का स्वप्न भी पूर्ण कर दिया है, जो असंभव था, वो भी तब जब शिव ने आपके और आपके पिता के साथ छल किया। अच्छा स्मरण दिलाया मंत्री, शिव ने मेरे पिता के साथ छल किया था और अब मैं उस शिव को उस छल का उत्तर दूंगा। युद्ध की तैयारी करो। शिव के विरुद्ध युद्ध? महाराज, मेरे पिताश्री कहते हैं कि मुझ में शिव के समान सामर्थ्य है, किंतु मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। यह सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, शिव से भी श्रेष्ठ। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है प्रभु? कैलाश पर्वत पर आक्रमण, वो भी तब जब महादेव तपस्या में लीन है। अंधक अपने अंधकार में पुनः अंधा हो चुका है। वो स्वयं अपने कर्मों से अपनी नियति बना रहा है।
इस समय मैं उसे रोक नहीं सकता। नारायण नारायण, प्रभु ये तो पाप है, पाप। अंधक अज्ञानवश ऐसा पाप करने जा रहा है जो अक्षम्य है। किंतु प्रभु क्या उसे ये रहस्य ज्ञात नहीं है? कैसा रहस्य कान्हा, शीघ्र बताओ ना। पर मुझे मधुमंगल को मैया के सामने प्रस्तुत करना है। बताओ ना कान्हा। मैं आपको नहीं बता सकता दाऊ। कान्हा मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है कि तुम कोई बात कभी बताते ही नहीं हो। दाऊ कान का नियम है कि उचित बात उचित स्थान उचित समय पर ही बताई जाती है। अब ये रहस्य जानने के लिए आपको पूरी कथा सुननी पड़ेगी। हाँ तो सुनिए दाऊ, अंधक अपनी चतुरंगी की सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चुका था। माते 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 सर्वनाश होने को है। असुरों की सेना तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ी ही आ रही है। चिंतित मत हो नंदी, आने दो असुरों की सेना। माते ये आप क्या कह रही हैं? महादेव साधना के लिए बाहर गए हैं और आप फिर भी असुरों की सेना को लेकर इतनी निश्चिंत हैं? महादेव अवश्य ही साधना में है, किंतु नंदी महादेव की शक्तियाँ तो है ना मेरे साथ। पर ये देखो, महादेव द्वारा खींची हुई ये रेखा असुरों के लिए पर्याप्त है। महाराज, महादेव की शक्ति से खींची गई इस रेखा का हमारे पास उपाय नहीं है। जहाँ उपाय नहीं होता वहाँ छल होता है सेनापति। जहाँ अंधक का बल काम नहीं आता वहाँ उसका छल प्रयोग में आता। माते अंधक बहुत ही शक्तिशाली और कुटिल असुर है, वो इस रेखा को पार करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेगा। अंधक? क्या अंधक यहाँ आया है? किंतु नंदी अब तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हो रही है असुरों के सम्राट को देखने की। नारायण नारायण, उत्तम अति उत्तम। प्रभु ये कैसा चमत्कार है प्रभु। अंधक ने अंतिम क्षण अपना निर्णय बदल दिया प्रभु, और अच्छा हुआ वो कैलाश पर्वत से पुनः लौट आया। अद्भुत प्रभु अद्भुत। अंधक तो लौट गया नारद, किंतु अब कैलाश पर उससे भी बड़ा संकट आने वाला। आदेश दीजिए महाराज, आपने मुझे। महाराज ये क्या, ये वल्कल वस्त्र आपको शोभा नहीं देते महाराज। सेनापति जी, आप ही ने तो हमसे कहा था कि हमें विवाह कर लेना चाहिए। सोच रहा हूं कि आपकी बात मान लो। किंतु विवाह के लिए ये वस्त्र। जिस स्त्री को हम ब्याहना चाहते हैं उसे ये वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। वहां कैलाश में वो पार्वती है, मुझे उससे विवाह करना। और जिस शिवरेखा में वो सुरक्षित है उसे उस शिवरेखा से बाहर लाना है मुझे। पार्वती से विवाह? सेनापति तो क्या आपने उससे भी सुंदर स्त्री देखी है मेरी? नहीं महाराज, किंतु पार्वती तो शिव की पत्नी है। सेनापति जी, विवाह के साथ साथ मुझे अपने पिता का प्रतिशोध भी तो लेना है।
जब वो शिव तपस्या से लौटेंगे तो उन्हें अपने छल का उत्तर छल से ही मिलेगा। फिर क्या हुआ कान्हा? फिर भोजन। भोजन? क्या भोजन? दाऊ, मैया हमें दो बार भोजन के लिए पुकार चुकी है। आप तो कथा में इतने व्यस्त हो गए कि आपको मैया की पुकार भी नहीं सुनाई दी। अब चलिए दाऊ, अन्यथा हमें भोजन नहीं मिलेगा। रुको कान्हा, मैं मैया की डांट सुन लूंगा, किंतु पहले कथा सुनाओ। क्या अंधक पुनः कैलाश पर्वत पर गया? दाऊ, सभी कैलाशवासी अंधक के जाने से बहुत खुश थे, परंतु आने वाले संकट से कैलाशवासी और महादेव दोनों ही अनिमिज्ञ थे। तुम जैसी महान सुंदरी को प्राप्त करना मेरे लिए इतना सरल होगा, ये मुझे ज्ञात नहीं था। कदापि नहीं, ये इतना सरल भी नहीं है अंधक, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आइए आइए देवराज, आप अपना इंद्रासन संभालिए, मुझे संभालना आपके बस की बात नहीं। अंधक, जो तुम कर रहे हो वो उचित नहीं है। ओह, तो सूर्यदेव आप भी आए हैं मुझे रोकने के लिए? अरे ये क्या, सभी के सभी देवों ने मुझे घेर लिया? क्या आप सब भूल चुके हैं कि मैं पहले ही आप सबको परास्त कर चुका हूं? अतः नियम अनुसार आप मेरे समक्ष अस्त्र नहीं उठा सकते। नियमों का उल्लंघन तो तुम कर रहे हो अंधक। तुम्हारे ये कुकर्म हमें तुम्हारे समक्ष अस्त्र उठाने को विवश कर रहे हैं। क्या हुआ, आप सब इतने चकित क्यों हो रहे हैं? जहां जहां मेरा रक्त गिरेगा वहीं से एक नया अंधक जन्म लेगा। अंधक को तुम नहीं मार सकते, कदापि नहीं। ब्रह्मदेव का दूसरा वरदान? बताऊं क्या? नहीं, सोच रहा हूँ, नहीं बताता हूँ। देखो खाना, शीघ्र बताओ ये रहस्य क्या है। नारायण, आप इतना अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं? आप अंधक को रोकते क्यों नहीं? ब्रह्मदेव, अंधक जो करना चाहता है वो असंभव है ब्रह्मदेव, किंतु मैं भी उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि जो वो कर रहा है वो उसकी नियति है, और ये उसे रोकने का उचित समय भी नहीं है ब्रह्मदेव। तुम चाहे कितने भी अंधकों की सेना बना लो, किंतु मैं तुम्हें ये अनर्थ कदापि नहीं करने दूंगा। हाँ,
अंधक, मेरे प्रकोप से बच सकते हो तो बचो। महादेव, क्या आप यहाँ हैं? जब कोई नहीं जानता था कि विशाल कैलाश पर्वत पर महादेव कहाँ हैं, कोई जानता था। अंधक, छोड़ दो मुझे। महादेव कहाँ हैं आप? ये क्या? मस्त कैलाश कांप उठा है। लगता है मेरे भय के कारण ऐसा हुआ है। शांत हो जाइए नारायण। क्षमा चाहता हूं महादेव, आपको ढूंढने के लिए मुझे इस प्रलय का आरंभ करना पड़ा। मुझे ज्ञात था कि सृष्टि पर आए संकट को देखकर आप अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रलय को तो मैं रोक सकता हूं महादेव, किंतु एक प्रलय और है जो आने वाली, उसे केवल आप ही रोक सकते हैं। माता पार्वती को आपकी सहायता की आवश्यकता है। जय सिंधु। जय शिव शंभो। कौन है आप? मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं माते, किंतु अब प्रभु ने मुझसे मेरी नेत्र दृष्टि भी छीन ली। अब मैं असहाय हो चुका हूं माते। तो आप यहाँ कैसे महात्मा? किसी सज्जन पुरुष ने हमसे कहा था कि अब केवल महादेव ही मुझे मेरी नेत्र दृष्टि दिला सकते हैं, इसलिए मैं आया था। किंतु ज्ञात होता है कि महादेव यहाँ है ही नहीं, अब मैं वापस लौट जाता हूँ। जय शंभो। मैं जिस प्रकार आया था वैसे ही चला जाऊं। कौन हो तुम? अंधक! तुम अंधक हो? दोस्त, छोड़ माता पार्वती को। यहां से चले जाओ अंधक। नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम जानती नहीं कि मुझ में महादेव के समान शक्तियां हैं? तुम्हें पता नहीं है कि तुम ये क्या पाप। हाँ,
महादेव, अंधक को रोक लीजिए। यह उचित समय है उसे मार्ग दिखाने का। अंधक, कहां हो तुम? मैं यहां हूं महादेव। आओ मुझसे युद्ध करो। मैं भी आपसे युद्ध करने के लिए व्यग्र हूं। आपके साथ साथ मुझे ब्रह्मदेव से भी एक वरदान प्राप्त है और मैं देखना चाहता हूं कि ब्रह्मदेव से अर्जित हुई शक्तियों के कारण कहीं आपका सामर्थ्य मुझसे कम तो नहीं हो गया। और यदि ऐसा हुआ तो महादेव मैं कहलाऊंगा, आप नहीं। हमारे द्वारा दिए गए वरदानों का इतना अहंकार कि तुम हमें ही चुनौती दे रहे हो। यदि साहस है तो मुझ पर प्रहार करो। अंधक से अनेक अंधक उत्पन्न होते जा रहे हैं। ये अंधक की सेना ने तो कैलाश पर्वत पर आतंक फैला दिया है। पार्वती उठिए, पार्वती, पार्वती उठिए। स्वामी, देवों के देव महादेव आज पराजय से बचने के लिए अपनी पत्नी की सहायता चाहते हैं। हाँ अंधक, प्रत्येक पति पत्नी के भांति मैं और पार्वती भी सुख दुख के साथी हैं। एक समय था जब हमने सुख बांटा था, तो आज एक बहुत बड़ा दुख हमारे समक्ष है जिसका अंत हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। देवी, अब समय आ गया है कि हम अंधक को उसके जीवन का सत्य बताएं। देवी, आप मातृका का रूप धारण कीजिए। महादेव, क्या मुझे ही मेरे पुत्र का अंत करना होगा? किंतु ये कैसे उचित है? अंधक विषैले वृक्ष के समान बढ़ता जा रहा है देवी। उसका विष इस सृष्टि का अंत कर दे। उससे पूर्व हमारा ये दायित्व होता है कि इस विषैले वृक्ष को हम समूल नष्ट कर दें। कोई षड्यंत्र लगता है। जिस प्रकार तुमने मेरे पिता के साथ छल किया था, उस प्रकार तुम मेरे साथ भी छल करना चाहते हो। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नियति ने ऐसी क्रीड़ा रची है कि एक पुत्र को ही उसके माता और पिता के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अंधक और महादेव का पुत्र,
ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो अंधक माता पार्वती और महादेव की क्रीड़ा का परिणाम था। कैसी क्रीड़ा काना, बताओ ना क्या हुआ था। धाव स्वामी, चारों ओर अंधकार छा गया है, मैं स्वयं को भी नहीं देख पा रही हूँ। स्वामी, देवी आप कहीं भी छुप जाइए, किंतु मैं आपको अवश्य ढूंढ लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना देवी, आप हमसे बच नहीं पाएंगी। वाह महादेव, बिना त्रिनेत्रों के भी आपने मुझे ढूंढ लिया। आप पार्वती हैं देवी, महादेव के लिए आप तक पहुंचना कभी भी कठिन नहीं हो सकता। किंतु आज आपने हमें बहुत दौड़ लगवाई है देवी। ये हमारे स्वेद से उत्पन्न हुआ है। इस शिशु में मेरे समक्ष ही शक्ति और सामर्थ्य होगा, किंतु इसके जन्म के समय मेरे नेत्र बंद थे, अतः ये बालक भी दृष्टिहीन होगा देवी। और इस शिशु को महादेव ने वरदान स्वरूप हिरण्यक्ष को दिया। दाऊ, और फिर आरंभ हुआ सृष्टि का सबसे भयंकर ध्वज।